तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ को रखेंगे। लेंथ के हिसाब से ही मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है और अभी जो है सिर्फ हम इसका बैक कटिंग करेंगे और इसके बाद हम इसका शोल्डर रखेंगे। शोल्डर के बाद आर्म होल रखेंगे और आर्म होल के बाद यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे 7 इंच का और उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे वेस्ट का और उसके बाद हम इसको यहाँ पे मैच कर देंगे और यहाँ से हमने मार्जिन रखा है इसका एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पे नेक का निशान लगाया है मैंने और इस तरह से यहाँ पे भी नेक का निशान लगाया है। यहाँ से थोड़ा ढाल दिया है मैंने 1/2 इंच का और फिर नेक की यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है और इसको अब हम कट कर लेंगे। निशान तो देखिए मैंने ब्लू कलर की चौक से लगाया था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस पर अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा है वीडियो में। यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अगर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से कटिंग सीखनी है, आपको बिल्कुल कटिंग नहीं आती है, तो मैंने इससे पहले जो है एक सूट की कटिंग की वीडियो भी डाली है जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से कटिंग को मैंने सिखाया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए हमने इसको कट कर लिया है, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। मेजरमेंट तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने इसको रखा है। अब हम इसका फ्रंट कट करेंगे। तो देखिए मैंने इसके 2 पार्ट यहाँ पे कर लिए हैं, ये आपस में जॉइंट नहीं रहेंगे। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे जो है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा के एक लाइन हमें सीधी खींच लेनी है, यहाँ से 1.5 इंच रहेगा। देखिए इस तरह से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब इसका हिसाब भी जो है वो ये है कि अगर आपको 1 इंच की पट्टी मोड़नी है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखें कपड़ा, 1.5 इंच की रखनी है तो 2, मतलब जितना भी आपको रखना है उसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी आपको कट करनी है। तो देखिए जो हमारा शोल्डर है, आर्म होल है, बाकी तो हमारी बिल्कुल सेम ही कटिंग रहेगी, बस नेक जो है वो हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा कटेगा क्योंकि हमने 1.5 इंच की पट्टी जो है वहाँ पर वो एक्स्ट्रा कट करी है। अब बैक पार्ट को हटा के हम यहाँ पर शोल्डर जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ हम कट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा छोटा कटता है, तो यहाँ पे हल्की सी हम 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमने नेक का निशान लगाया था वो तो हमने बैक के हिसाब से लगाया था, तो फ्रंट का निशान लगाएंगे हम। यहाँ से हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है तो यहाँ से हम इसको गोलाई दे देंगे, क्योंकि फ्रंट नेक जो है वो थोड़ा सा डीप होता है और बैक का थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पे हमने उसका निशान लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारी पट्टी जो है इस तरह से पलट जाएगी। अब जो है देखिए मैंने नेक के लिए ये 2 पट्टियाँ यहाँ पे कट की हैं, आप चाहें तो एक ले लें। ये जो है मैंने यहाँ पे स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ पे पट्टी कट की है, मैं इसकी कोई कटिंग नहीं करने वाली हूँ, ये जो बस जो पट्टी है बस ऐसे ही मैं इसको लगाऊंगी। इसकी लंबाई जो चौड़ाई है वो आप देख लें, मैंने मेजरमेंट में लिख दिया है कि मैंने कितने ली है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करके लगाएंगे, ठीक है। और इसका जो नीचे की जो स्कर्ट है वो मैंने कट कर लिया है यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से। तो कटिंग तो हमारी अब हो गई है, अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम बैक और फ्रंट के पार्ट को इस तरीके से रख कर शोल्डर पे हमें बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं 4 सिलाई लगाने वाली हूँ, तो जितना हो सके आपको बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है और पार्ट्स को इसी तरीके से हमें सीधा रखना है,
देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है, बिल्कुल मैंने किनारे पे सिलाई लगाई है। तो अब जो है वो हम इसको पलट लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। पलटने के बाद हम यहाँ पे जो है एक पैर की सिलाई लगाएंगे, इससे ये होगा जो हमारा कपड़ा जो है दूसरी तरफ का वो हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा और जो हमारे जो धागे वगैरह निकलते हैं वो हमारे नहीं निकलेंगे और बच्चे को पहनने में चुभेंगे भी नहीं और हमें फिर इंटरलॉक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इसको हम देखिए पलट के दिखाती हूँ मैं आपको कि देखिए यहाँ पे कितनी सफाई आई है। देखिए ये हमारी उल्टी साइड हो गई है, देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे पट्टी आ जाएगी। अच्छा, जब हम नेक पे जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो ये पट्टी जो है वो हमें बैक साइड की तरफ इस तरीके से हमें रखनी है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। चाहिए तो आप चाहें तो इसको पहले पिनअप कर लें। अब जो है वो हम यहाँ पे स्लीव्स लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इसकी जो हमने पट्टियाँ दो कट की थी स्लीव्स के लिए, तो हम उसमें से पहले एक पट्टी ले लेते हैं और उस एक पट्टी को हम इस तरीके से देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हाफ इंच और इस तरीके से बस रख के इसके ऊपर किनारे पे इस किनारे पे रखे हम बस हमें एक सिलाई लगानी है, हमें दूसरी पट्टी जो है वो हमें अंदर की तरफ नहीं मोड़नी। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है यहाँ पे, इस तरीके से दिखाई देगी, ये हमारा सीधा है हिस्सा और ये उल्टा है। तो इसी तरीके से हम दोनों पट्टियों को तैयार कर लेंगे और इस पे जो है मैंने एक सेंटर का निशान लगा लिया है पहले। तो ये सेंटर का निशान जो है वो हमारी जो टॉप है उसका जो शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ पे अटैच होना चाहिए, इस तरीके से अटैच होना चाहिए यहाँ पे। और बाकी जो है वो यहाँ पे हम यहाँ से प्लेट्स डाल लेंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट्स डाल लेंगे जो भी हमारा हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है। अगर आपको और भी प्लेट्स डालनी है तो आपको और भी लंबी पट्टी आपको कट करनी होगी, आप जितनी चाहें उतनी लंबी पट्टी कट कर लें और प्लेट्स तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप जितनी चाहें उतनी लंबी पट्टी कट करके उसमें प्लेट्स डाल लें। तो इस तरीके से हम पट्टी जो है वो शोल्डर पे रख के और उस पर छोटी छोटी हमने प्लेटें डाली हैं इस पर और हम यहाँ पर जो उसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरीके से पलट कर यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इससे भी यही होगा कि हमारी यहाँ जो सिलाई है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, धागे भी नहीं निकलेंगे और बच्चे को पहनने में बिल्कुल भी वो चुभेगा नहीं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं आई है हमारी, बिल्कुल भी कहीं से धागे नहीं निकल रहे हैं और शोल्डर भी देखिए कितना हमारा क्लियर बना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी इसे अटैच कर लेंगे और अब जो है अटैच करने के बाद हम जो नीचे की जो स्कर्ट है वो इससे अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो स्कर्ट के लिए हमने जो कपड़ा कट किया था तो उसमें से मैंने एक ले लिया है और उसे बीच में से मैंने हाफ कर लिया है, सिर्फ एक ही पीस को हमें कट करना है, बीच में से दूसरे को कट नहीं करना है। और जो हमने कट किया है पीस वो हमारा फ्रंट से अटैच होगा और जो हमने कट नहीं किया है वो हमारा बैक साइड से अटैच होगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ये जो फ्रंट पार्ट है हमें इसे अटैच करना है, तो इस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। बाकी जो बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। तो हमें इसको इस तरह से अटैच करना है कि यहाँ से जो हमने डेढ़ इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो हमें वहाँ पे छोड़ना है
हम वहाँ पे प्लेट नहीं डालेंगे, और यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमारा जो दबाव है 1 इंच का, वहाँ पे भी हम प्लेट्स नहीं डालेंगे। इसके बीच में हमें प्लेट्स डालनी है, यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के हम स्टार्ट करेंगे प्लेट डालना, और फिर हम यहाँ पे भी 1 इंच का हम यहाँ पे प्लेट नहीं डालेंगे। अटैच तो करेंगे लेकिन प्लेट नहीं डालेंगे, प्लेट जो है वो सिर्फ हम बीच के हिस्से में डालेंगे, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक हम प्रेस डालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को भी यहाँ पे जो हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और इस साइड पे हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे, और सिर्फ बीच के हिस्से में हम प्रेस डालेंगे। साइड से सिर्फ हम अटैच करना है, उसमें प्लेट नहीं डालेंगे, क्योंकि प्लेट डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो हमारा कपड़ा जो है फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। ये 1.5 इंच तक तो मैंने इसको नॉर्मली सिला है यहाँ तक, और इसके बाद जो है वो मैं प्लेट डालना स्टार्ट करूँगी। तो जितना हो सके आप छोटी छोटी प्लेटें डालें, बारीक प्लेटें बहुत अच्छी लगती हैं। और एंड पे आके फिर 1 इंच का मैंने वहाँ पे सिलाई लगाई है, प्लेट मैंने नहीं डाली है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने दूसरे हिस्से को यहाँ पे 1 इंच पे मैंने नहीं डाला, 1 इंच तक मैंने इसे प्लेन सिला, उसके बाद मैंने फिर से प्लेट डालना स्टार्ट किया, और फिर एंड पे आके यहाँ तक मैंने प्लेट डाली, और फिर 1.5 इंच में पहले प्लेट नहीं डाली है। और यहाँ पे मैंने डबल सिलाई लगाई है ताकि इसको जो है ये मजबूती मिले और ये जल्दी से फट ना जाए। तो ये जो हमारा फ्रंट है वो तो हमारा अटैच हो गया है, अब हम बैक से इसको अटैच करेंगे, बैक वाला जो हिस्सा है वो अटैच कर लेंगे। तो बैक के लिए भी दोनों साइड से मैं सिर्फ 1-1 इंच छोड़ दूंगी, मतलब 1-1 इंच की मैं प्लेट नहीं डालूंगी साइडों में, और फिर बाकी में हमारी प्लेट डलेंगी। तो मैंने इस पर पहले एक सेंटर का निशान लगा लिया है, टॉप पे भी मैं एक सेंटर का निशान लगाऊंगी, और ये दोनों पल्लों के जो हमारे सेंटर के निशान हैं वो मैच होने चाहिए। देखिए इस तरह से, ये सेंटर से सेंटर जो है हमारा बिल्कुल मैच होना चाहिए, और इस तरीके से ये प्लेटें डल जाएंगी हमारी एक्स्ट्रा कपड़े की। और दोनों साइड से मैं जो हमारा मार्जिन है खाली 1-1 इंच का वो मैं छोड़ूंगी, और बाकी में मैं प्लेट्स डाल दूंगी। सेंटर से सेंटर हमारा जो है वो बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए, तो इससे हमारी प्लेटें अच्छी पड़ेंगी। तो हमारी जो दोनों हिस्सों की प्लेटें हैं वो हमने डाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें साइडों की सिलाई लगा लेनी है, स्लीव से लेके कमर और फिर नीचे स्कर्ट तक हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी जो है वो मैं डबल सिलाई ही लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद अब जो है ये जो हमने 1.5 इंच की पट्टी जो हमने कट की है एक्स्ट्रा, इसको अब हम पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए मैं यहाँ पे पहले 1 इंच का निशान लगाऊंगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर हमें 1 इंच की पट्टी कट करनी है, सॉरी पलटनी है 1 इंच की, तो हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे 1-1 इंच के निशान लगा लिए हैं ताकि हमारी जो पट्टी है वो एग्जैक्ट टर्न हो और सफाई भी आए। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच के निशान लगा के मैंने पहले इसको पिनअप कर लिया है। पिनअप करने के बाद अब मैं साइड से जो है ये पट्टी को अब बहुत ही हल्का सा टर्न करूँगी अंदर की तरफ, और टर्न करके मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी किनारे पे, यहाँ से लेके नीचे लेंथ तक पूरी लेंथ में मैं सिलाई लगा दूँगी। क्योंकि सिलाई मैंने लगा ली है और पिंस भी मैंने इसकी निकाल दी हैं, तो ये एक साइड तो हमारी सिल गई है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी मोड़ेंगे। तो अब मैंने दूसरी साइड पे भी इसको सिलाई लगा ली है, तो ये पट्टी जो है इस तरीके से एक के ऊपर एक सेट हो जाएगी इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे कि नीचे का जो हिस्सा है हमारा इसे हम टर्न करेंगे इस तरीके से, हाफ मोड़ के, और फिर 1 इंच का मैंने उसको मोड़ दिया है।
आधा इंच पहले मोड़ा और फिर एक इंच। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इसको मोड़ के, और यहाँ पे जो हमारा ओपन हिस्सा रहता है उसे भी मैंने सिल लिया है। तो ये हमारा नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसमें नेक पे पाइपिंग लगानी बाकी है। तो जो मैंने दो पट्टियाँ कट की थी उन्हें मैंने जोड़ लिया है। ये मैंने तिरछी कट की हैं, तो इस तरीके से मैं इस तरीके से इसको मोड़ के फोल्ड करके फिर मैं लगाऊंगी। तो इसको पहले मैं यहाँ से सीधा कर लूँगी और इसको मैं इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ के इसको फोल्ड कर लेंगी, और फिर मैं इसको उल्टी तरफ रखूँगी ना कि सीधी तरफ। तो उल्टी तरफ इस तरह से रख कर इसको हम सिलना शुरू करेंगे। और इसके जो पूरा हमारा राउंड है बैक का और फ्रंट का जो नेक है वो एक साथ ही हमारी इस पर पट्टी लग जाएगी। अब यहाँ पे एंड पे भी आके यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी कट करके इसको भी मैं इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और एंड तक रखूँगी जहाँ तक हमें चाहिए पट्टी, और फिर सिलाई लगा देंगे। अब इसको पलटने से पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नेक को हमेशा पलटने से पहले आपने किसी भी तरीके की पट्टी लगाई है, पाइपिंग लगाई है, कुछ भी लगाया है, तो इस तरीके से कट आप ज़रूर लगाएं, हमेशा लगाने चाहिए ये वाले कट। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे और बस हमें इसे पलट देना है। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है इसी सिलाई तक हमें इसको बस रखना है। सिलाई के ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से, और बिल्कुल किनारे पे हमें इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई जो देखिए जितनी किनारे पे आएगी ना उसकी, वो उतनी ही अच्छी पाइपिंग लगेगी। तो चाहे आपको थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन सिलाई जो है आप हल्के हल्के प्यार से आपको यहाँ पे लगानी है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब हमें फ्रंट पार्ट को बिल्कुल बंद करना है, पट्टियों को अटैच करना है एक दूसरे के साथ। तो हमें इन्हें अटैच करने से पहले यहाँ से तो हम पूरा यहाँ तक बंद कर लेंगे, और ऊपर से जो है वो हमारा इतना पोर्शन ओपन रहेगा। तो ये तकरीबन 3 इंच का मैंने ओपन रखा है, बाकी नीचे तक जो है वो हम इसको सिल लेंगे। तो सिल में इस तरह से रही हूँ कि मैंने यहाँ पर सुई धागा लिया है, धागा मैंने यहाँ पे डबल यूज़ किया है, और जो पट्टी मैंने नीचे की पट्टी जो अटैच की है देखिए ये वाली, तो यहाँ से मैं सिर्फ सुई पास कर रही हूँ उस पट्टी से। सुई जो है वो मेरी नीचे की तरफ नहीं जा रही है, सिर्फ पट्टी से पट्टी की ऊपर के साथ ही मैं सिर्फ अटैच कर रही हूँ। तो मेरी सिलाई जो है वो पीछे यानी कि फ्रंट साइड पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी सिलाई। तो मैंने यहाँ पर जिस तरीके से हम तुरपाई करते हैं उस तरीके से बस मैंने यहाँ पे तुरपाई की है, पट्टी से पट्टी को अटैच किया है बस। तो इस तरीके से मैं ऊपर तक इसको सिल लूँगी। इससे होगा ये कि ये अटैच भी हो जाएगा, और जब हम इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये ओपन है, जबकि ये ओपन नहीं होगा। अब एंड पे आके हम इसको यहाँ पे अच्छे से पक्का कर देंगे ताकि ये ऐसे टूट ना जाए और सिलाई खुल ना जाए। तो यहाँ पे 3-4 बार आप इसको पक्का कर लें। और अब क्या करेंगे, देखिए हमारा अटैच हो गया है, ये देखिए ये पट्टी जो है यहाँ से अटैच भी है, और देखने पे लगेगा कि ये ओपन भी है। और ऊपर से मैंने इसलिए ओपन रखा है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है अब हम बटन को सेट करेंगे,
तो पहले जो है हम बटन्स को रख के एक अंदाज़ा ले लेंगे कि हमें कितने बटन लगाने हैं और कितनी कितनी दूरी पे हमें बटन्स को लगाना है। अब हम बटन्स को हटा लेंगे और वहीं पे हम निशान लगा लेंगे कि हमें इसी जगह पे बटन को लगाना है। अब यहाँ पे हम जो है बटन लगा लेंगे। यहाँ पे जो है वो बटन जो है मैंने दोनों पट्टियों के साथ ही रख के लगाया है, सारे बटन जो नीचे के हैं ये मैंने लगा लिए हैं चारों बटन, और जो सबसे ऊपर का जो बटन है वो मैं इस तरीके से नहीं लगाऊंगी, वो जो है वो सिर्फ एक जो ऊपर की पट्टी है सिर्फ उससे अटैच होगा ताकि ये ओपन रहे यहाँ से। बटन लगाने के बाद हम अंदर की तरफ एक हुक और हाई बना देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो चिट बटन लगा लें या चाहें हुक हाई लगा लें, जो आपकी मर्जी हो आप यहाँ पे लगा लें। यहाँ पे जो है वो हाई का आप अंदाज़ा ले लें कि हमारा हुक कहाँ पे आ रहा है और उसी जगह पे आप हाई को बना लें। अभी हुक हाई भी जो है हमारी रेडी हो गई है, तो इस तरीके से देखिए अटैच हो जाएगा। इसे बच्चे को जब हम पहनाएंगे तो हमें पहनाने में बहुत आसानी होगी। तो हमारी फ्रॉक जो देखिए बिल्कुल रेडी है और कितनी खूबसूरत बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।